आज 10वीं और 12वीं की कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद से ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस बार शहर के भवन स्कूल के छात्रों ने बाजी मारी है। नागपुर शहर के चर्चित सिविल लाइन स्थित भवन स्कूल के कई छात्रों ने साइंस और कॉमर्स फैकल्टी में 90% से अधिक अंक लेकर अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। मेधावी छात्रों ने अपने करियर की शुरुआत करने को लेकर ही कक्षा 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाने का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया है। इस बीच मेधावी छात्रों ने अलग अलग क्षेत्र में अपना करियर बनाने की रुचि के बारे में भी बताया है। अश्लेषा प्रधान, भवन सिविल लाइन्स, नागपुर। मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। मैंने स्कोर किया 91.4% एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने मुझे अच्छे से मिले हैं। पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्कूल है, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आगे मैं लॉ करूँगी। आई एम अनन्या कोठारी। आई हैव बीन इन भवन्स फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड। आई स्कोर्ड 95.4 इन माई 12th बोर्ड एग्जाम्स। Science stream. Okay. Further, I am going to pursue psychology, which is the subject I had opted for, and I want to thank my mother. She has always supported me. She has single-handedly seen me through everything, from every meltdown I have had about studies. कि मतलब कैसे करना है, क्या होगा. She has always been there. All the credit goes to her. Abhi. Thank you. रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया है और साइंस में हमारा टॉपर है अंकुश शांडिल्या, जिसे 97% मिले हैं, और साइंस में 66 में से 12 बच्चे हैं जिनको 90 के ऊपर मिले हैं। कई बच्चे हैं जिनको 85 के ऊपर मिले हैं। रिज़ल्ट बहुत अच्छी रही है और साइंस में 99 हाईएस्ट है, मैथ्स में इसी तरह, केमिस्ट्री में भी 99 हाईएस्ट है, और कॉमर्स का रिज़ल्ट है 49 बच्चों में से 16 बच्चों ने 90 के ऊपर % लिया है और हाईएस्ट अभी तक 97.6 है। 10th का रिज़ल्ट थोड़ी देर पहले ही आया है, तो हम निकालने की प्रोसेस में है और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है। 10th में हमारी बच्ची को 100 मिला है, इंग्लिश में, मैथ्स में भी 100 है, और अभी रिज़ल्ट हम और एनालिसिस करेंगे तो हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। और बच्चों ने अच्छा किया। इस बार पेपर भी काफ़ी टफ थे, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक कंपोनेंट नया डाला था, उसके बावजूद बच्चों ने अच्छा किया और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनती लगनशील टीचर्स को जाता है। कॉमर्स की फैकल्टी में माहिता गुप्ता को 97.6 मिला है। हमें इकोनॉमिक्स में 200 है, अकाउंटेंसी में 100 है, और हम पूरी तरह से रिज़ल्ट इकोनॉमिक्स में 2 है। इस तरह से बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा किया है कॉमर्स में भी, और हमें बहुत बेहद खुशी और आनंद हो रहा है कि हमारे बच्चे अच्छा किए हैं और ये सब टीम वर्क के ही कारण पॉसिबल हुआ है। INBCN न्यूज़ के लिए अजित कुवर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।